Hello everyone, my name is Chandan Roy, Senior Relationship Manager in JR Compliance. So, आज हम बात करेंगे पोस्ट कंप्लायंस. पोस्ट कंप्लायंस क्या होता है? जब आपकी कंपनी बन जाती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो तीन चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं. उसी तीन चीज़ों को हम कहते हैं पोस्ट कंप्लायंस. और वो तीन चीज़ें क्या क्या होती है? फर्स्ट वन इज़ INC 20A, सेकेंड वन इज़ फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंटमेंट, एंड थर्ड वन इज़ फ्रैंकिंग एंड स्टैंपिंग. फर्स्ट लेट्स डिस्कस अबाउट INC 20A. सो आपको पता है INC 20A को दूसरे शब्दों में हम कहते हैं कमिसमेंट ऑफ बिजनेस. कमिसमेंट ऑफ बिजनेस क्या होता है? एक बार जब आपकी कंपनी बन जाती है, कंपनी में जब दो पार्टनर के साथ आपकी कंपनी बनती है और जो भी शेयर होल्डिंग रेशियो रहता है, फॉर एग्जांपल 50%, 50%, तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था पेड अप कैपिटल के बारे में. 50,000 का पेड अप कैपिटल है, 50-50% शेयर होल्डिंग रेशियो है. अब कंपनी के नाम पे आप क्या करते हो? एक करंट बैंक अकाउंट अपने बैंक में आप ओपन करते हो, तो वहाँ पे आप कुछ पैसे डिपॉजिट करते हो जिसे हम कहते हैं पेड अप कैपिटल. अब सपोज कीजिए पेड अप कैपिटल आपका 50,000 है, तो कितना सबमिट होगा? तो मैंने आपको बताया दो पार्टनर हैं, 50% 50%, यानी एक पार्टनर 25,000 रुपये देगा, दूसरा पार्टनर 25,000 रुपये देगा. जब ये दोनों पार्टनर मिलकर 25,000 + 25,000 अपने बैंक अकाउंट में सबमिट करते हैं, उसे हम कहते हैं पेड अप कैपिटल. और उसी चीज को हम इंटीमेट करते हैं अपने ROC को, डेट इज रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी. तो ROC कहती है कि ठीक है, आपने डिपॉजिट कर दिया 50-50% के हिसाब से 50,000, आप एक काम करो, एक फॉर्म फाइल करो जिसको हम कहते हैं INC 20A. इसी को हम कहते हैं कमिसमेंट ऑफ बिजनेस. तो इस चीज़ को जैसे ही आप फाइल करते हो, आप डिक्लेरेशन करते हो कि आपने अपने करंट बैंक अकाउंट में एज पर द इंफॉर्मेशन पेड अप कैपिटल आपने सबमिट कर दिया. दिस इज व्हाट वी कॉल द INC 20A. ओके, सेकेंड वन इज ADD 1. ADD 1 को ही हम कहते हैं फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंटमेंट. अब ये क्या होता है? आपको पता है कोई भी कंपनी बनती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, वहाँ पे ऑडिट होता है. ऑडिट कौन करता है? ऑडिटर करता है. तो जब आपकी कंपनी बन जाती है तो ये मैंडेटरी हो जाता है कि 30 डेज के अंदर, within 30 डेज, देयर विल बी बोर्ड मीटिंग. बोर्ड मीटिंग होती है और वो कौन करता है? जो भी शेयर होल्डर रहता है या जो भी डायरेक्टर रहता है, वो 30 दिनों के अंदर क्या करता है? एक बोर्ड मीटिंग करता है. और वो बोर्ड मीटिंग में क्या डिसाइड होता है कि किस बैंक में हमें अपना करंट बैंक अकाउंट ओपन करवाना है, कंपनी को कैसे आगे बढ़ाना है, क्या क्या एक्टिविटी हम करें जिससे हमारी कंपनी का एक्सपेंशन हो. तो ये सारी चीज़ों के लिए बोर्ड मीटिंग होती है. और ये बोर्ड मीटिंग कंडक्ट कौन करता है? ऑडिटर करता है. ये जब ऑडिटर जब आप अपॉइंट करते हो, इसी को हम क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंटमेंट. तो इसमें क्या रहता है? within 30 डेज में आपकी कंपनी का बोर्ड मीटिंग हो गया और वहाँ से 15 दिन के अंदर आपको अपने ऑडिटर को अपॉइंट करना है. सो दिस इज व्हाट वी कॉल द ADD 1, फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंटमेंट, जो आगे जाके आपकी हर कंपनी का AGM करेगा, एनुअल जनरल मीटिंग करेगा. आगे जाके जो भी ऑडिट होता है वो आपका ऑडिटर ही करेगा, जिसमें आपने उनको ADD 1 में आपने फाइल कर रखा है. तो इसी को हम कहते हैं फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंटमेंट और ADD 1. सो ADD 1 को अगर मैं टेक्निकल लैंग्वेज में समझाऊँ, एकदम सिंपल वर्ड में, तो ये क्या होता है? ADD 1 इज़ टू बी फाइल्ड विदिन 15 डेज फ्रॉम द फर्स्ट बोर्ड मीटिंग ऑफ द कंपनी, विच इज़ रिक्वायर्ड टू बी हेल्ड विदिन 30 डेज ऑफ द इनकॉर्पोरेशन इन विच ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाई द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी. तो सिंपल हिंदी में क्या है कि ADD 1 को आप फाइल कब करोगे? within 30 डेज विदिन द इनकॉर्पोरेशन ऑफ बोर्ड मीटिंग. 30 दिन के अंदर आपको क्या करना है? अपनी मीटिंग हेल्ड करनी है. और जैसे ही मीटिंग हेल्ड होती है, उसके 15 दिन के अंदर आपको क्या करना है? ADD 1 आपको फाइल कर लेना है. यानी फर्स्ट ऑडिटर आपको अपॉइंटमेंट करके आपकी अपनी कंपनी के ROC को आप इंटीमेट कर दोगे, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंटमेंट और ADD 1. सिंपल. नाउ द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो लास्ट पॉइंट है, व्हाट इज फ्रैंकिंग एंड स्टैंपिंग. एंड पीपल ऑलवेज कंफ्यूज कि फ्रैंकिंग एंड स्टैंपिंग सेम है, अलग अलग है, क्या है? तो ये मैं आपको सिंपल बता देता हूँ कि स्टैंपिंग इज द पेमेंट ऑफ ए ड्यूटी दैट प्रूव्स दैट योर प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स आर लीगल, वेयर एज फ्रैंकिंग इज अ प्रूफ दैट इंडिकेट्स दैट एनी ड्यूटी रिलेटेड टू स्टैंपिंग हैज़ बीन पेड बाय द होम बायर. इसका मतलब क्या होता है? देखिए, स्टैंपिंग का मतलब होता है कि जो भी आपने लीगल कागजात दे रखे हैं, उसका क्या हो चुका है? स्टैंप ड्यूटी हो चुकी है. और वो स्टैंप ड्यूटी इंडिकेट कर रहा है कि वो जो डॉक्यूमेंट आपने प्रोवाइड किया है वो लीगल है. वेयर एज फ्रैंकिंग क्या होता है? ये एक प्रूफ होता है कि जो भी आपका स्टैंपिंग हो चुका है, जो भी उसका प्रूफ है, जो भी ड्यूटी आपने पे कर रखी है, उसी को हम क्या कहते हैं? फ्रैंकिंग कहते हैं. एक अलग शब्दों में कहा जाए तो इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट. इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट का मतलब क्या रहता है? ये एक प्रूफ होता है
जहाँ पे आप ROC को आप स्टैम्पिंग एंड फ्रैंकिंग करते हैं, जिसमें ROC आपको इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट करती है। इसका मतलब क्या हुआ, एक कंपनी बनी है, ए और बी शेयर होल्डर है, 50-50% उनके पास शेयर है, ये इन्फॉर्मेशन आपने तो MCA को दे दिया है, लेकिन इसका जो प्रूफ है ये एक हार्ड कॉपी में आता है, इसी को हम कहते हैं इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। और इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट कैसे मिलता है, विद द हेल्प ऑफ फ्रैंकिंग एंड स्टैम्पिंग। तो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट अबाउट द पोस्ट कंप्लायंस। फर्स्ट वन इज INC 20A, जिसको हम कहते हैं कमिश्नर ऑफ बिजनेस। सेकेंड वन ADT 1, दैट इज फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंटमेंट। थर्ड वन इज फ्रैंकिंग एंड स्टैम्पिंग। लास्ट में आपको बताऊंगा ड्यूरेशन क्या रहता है, कितने टाइम तक हम INC 20A फाइल करेंगे, ADT 1 फाइल करेंगे, फ्रैंकिंग एंड स्टैम्पिंग फाइल करेंगे। सो फर्स्ट लॉन्च टॉक अबाउट INC 20A। एक बार जब कंपनी बन जाती है उसके 180 डेज के अंदर आपको INC 20A फाइल करना है। अगर आप नहीं करते हो 180 दिन के अंदर तो आपको पेनल्टी फेस करनी पड़ती है। सेकेंड वन इज फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंटमेंट। तो मैंने आपको बताया था फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंटमेंट फाइल करने के लिए सबसे पहले आपको 30 दिन के अंदर आपको एक बोर्ड मीटिंग करनी है, और जिस दिन आपकी बोर्ड मीटिंग कंप्लीट हो जाती है उसके 15 डेज के अंदर आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंटमेंट कर लेना है। एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेता हूँ, 30 सितंबर 2022 को मैं बोर्ड मीटिंग करता हूँ, तो मेरा जो फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट होगा वो कब होगा, मैंने क्या बोला 15 डेज, यानी 15th अक्टूबर तक मैं क्या करूँगा, फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंटमेंट मैं कर लूँगा। एंड फ्रैंकिंग एंड स्टैम्पिंग, एक बार आपकी कंपनी बन जाती है देन विद इन 30 डेज यू विल एग्जीक्यूट योर फ्रैंकिंग एंड स्टैम्पिंग। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द पोस्ट कंप्लायंस, देयर कॉन्सेप्ट, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं ये भी हमने देख लिया है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे या नेक्स्ट सीरीज में हम देखेंगे कंप्लायंस क्या क्या होते हैं। एक बार जब फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो जाती है तो किस किस तरह की कंप्लायंस एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को करना पड़ता है, और अगर हम नहीं करते हैं एज अ शेयर होल्डर डायरेक्टर तो क्या क्या पेनल्टी हमें MCA या गवर्नमेंट के थ्रू हमें फेस करना पड़ता है, ये हम नेक्स्ट सीरीज में जानेंगे। टिल देन ध्यान रखें, टेक केयर, एंड आई होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो। सो काइंडली लाइक सब्सक्राइब एंड गिव योर कमेंट अगर आपको और भी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए। टिल देन थैंक यू वेरी मच।